ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव शिव भक्ति ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए आज बात करते हैं प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद से सरल व अचूक उपाय। ये तुम लोगों ने पढ़ा पंचांग में, कैलेंडर में उसका वर्णन आता है। पढ़िए देव दीपावली। अरे बोलो तो जम के पढ़िए। एक देव दीपावली आती है, एक दीपावली, एक देव दीपावली। इन दोनों दीपावली के दिन अगर प्रयास करना, अगर बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, फैक्ट्री भी ना चले, दुकान भी ना चले, व्यापार भी ना चले और कर्जा बढ़ते जा रहा हो, टेंशन ही टेंशन पूरी जिंदगी में हो रहा हो, कहीं से संपदा आ नहीं रही हो, धक्के की जिंदगी चल रही हो, तो एक बार मधु का प्रयोग कर देखना। लोग दीपावली के दिन अपना घर का दरवाजा खुला रखते हैं और दिया लगाते हैं दरवाजे पर। हमने दो चार लोगों से पूछा कि आप अपना घर का दरवाजा खुला रखते हो, दिया लगाते हो दीपावली के दिन, इससे क्या होता है? तो उन्होंने कहा इससे लक्ष्मी आती है। अगर दरवाजा खुला रखने से और दरवाजे पर दिया लगाने से लक्ष्मी घर में आ सकती है क्या? तुम ईमानदारी से बोलो जरा। दरवाजा खुला रखना और दीप लगाना, ये दोनों अलग अलग क्रम है। जिसने दिल से कभी शिव महापुराण की कथा सुनी होगी वो जानता है दरवाजा खुला रखना और दीप जलाना। लोग कहते हैं दीपावली के दिन दरवाजा खुला रखो, दिया दरवाजे पर लगाओ, लक्ष्मी आएगी। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है, दरवाजा खुला रखने से मतलब है कि कोई तुम्हारे यहाँ अतिथि आए, कोई तुम्हारे घर में बुजुर्ग आए, कोई तुम्हारे घर में बड़ा आए, कोई तुम्हारे घर में दरवाजे पर कोई पहुंचे, उसके लिए तुम्हारा दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए। और कोई अगर तुम्हारे दरवाजे से कोई निकल कर जा रहा है जिसको जरूरत है तुम्हारे दिव्य ज्ञान के प्रकाश की, दरवाजे पर दीप जलाने का मतलब है कि किसी को तुम्हारे प्रकाश की जरूरत हो, तुम्हारी जरूरत हो। दीप जलाने का मतलब है तुम्हारे दरवाजे पर, दिया जलाना मतलब तुम्हारे द्वार पर कोई आया और उसको तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे प्रकाश की जरूरत है। केवल दरवाजा खुला छोड़कर अंदर बैठकर माला जप रहे और सोच रहे हो लक्ष्मी जी आ जाएगी, तो लक्ष्मी नहीं आएगी। दरवाजा खुला रखने का मतलब है कि आपकी मेहनत, आपकी लगन और आए हुए अतिथि का सम्मान अगर आप कर रहे हो और तुम्हारे दरवाजे पर ज्ञान का अगर दीप जला हुआ है तो लक्ष्मी जरूर प्रवेश करे, लक्ष्मी जरूर प्रवेश करे। जो व्यक्ति अपना ही भला सोचता है, जो व्यक्ति केवल अपने भले के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है तो लक्ष्मी प्रवेश नहीं करता। आप दूसरे के लिए जीना सीखो, आप दूसरे के लिए कुछ अच्छा करना सीखो, आपको सुख का अनुभव हो जाए। सती मैया हो उसमें महालक्ष्मी का संबोधन, महासंबोधन लक्ष्मी के आगे आया, और त्रिदेव में महासंबोधन देवदी देव महादेव के सामने आया। इसलिए इन एक महादेव और एक महालक्ष्मी, ये दो देवता ऐसे हैं, एक देवता एक देवी ऐसी हैं जिन पर मधु का प्रयोग सुख प्रदान करता। आप शिव कथा कर रहे, एक देव महादेव और दूसरे नंबर पर देवी लक्ष्मी महालक्ष्मी, जिन पर मधु का प्रयोग। एक हमने पहले कथा में कहा था कि
उसका लोगों ने उपहास भी किया, हंसी भी उड़ाई, पर लोगों ने उसका प्रयोग करा तो फल भी पाया। आज भी उस पत्र को, यहाँ पर भी एक पत्र है उसका, हम बताएंगे। हमने कहा था कि बीज पत्ती पर शहद लगाकर जब आप अपनी पूरी मेहनत करें, पूरा कर्म करें और अच्छी मेहनत में तल्लीन रहें, और मेहनत करते हुए जब किसी कार्य के लिए जाएं तो मध्य पत्ती में मधु लगाकर, शहद लगाकर, सुना था कि नहीं सुना था, शहद लगाकर शिवलिंग पर उसको लगाकर फिर जाइए, कार्य में सफलता मिलती है, ये हमने कहा था। अब दुनिया के लोग भले हंसे, पर जिन्होंने स्कंद पुराण पढ़ी हो, कुर्म पुराण पढ़ी हो, लिंग पुराण पढ़ी हो, मत्स्य पुराण पढ़ी हो, और जिसने कभी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण का स्मरण करा हो या देवी भागवत का स्मरण करा हो, तो उसमें मधु का, शहद का बड़ा महत्व बताया गया, मधु का, शहद का बड़ा महत्व। शहद, मधु, एक देव अधिदेव महादेव को समर्पित करने वाला और एक माँ लक्ष्मी को समर्पित करने वाला क्या देता है, ये शिव पुराण की कथा कह रही है। जब बूढ़ी माँ के पास में कुछ भी नहीं था, 80 साल, 70, 80, 50, 60 साल पुराना शहद मधु रखा था, शहद। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके घर में शहद है, मधु है, है, रखो। अब मधु आपके घर में है, कोई सामान आपके घर में दाल भर कर रखना, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, सड़ जाएगी। दूध रख दिया, घी रख दिया, 10 साल, 5 साल, 8 साल, 15 साल में उसमें कीड़े पड़ सकते हैं, वो सड़ सकता है। पर केवल एक मधु, शहद ऐसा होता है जो 50 साल तक भी रखा रहे तो सड़ता नहीं है, बल्कि औषधि बन जाता है। शहद अगर 40 साल का भी रखा है, मधु अगर 30 साल 50 साल का भी रखा है, तो वो औषधि का काम करता है। और केवल मधु, शहद डब्बे में जैसे औषधि का काम करता है, वैसे ही हमारी जिभ्या में भी अगर हम शहद, वो कहते हैं ना कि शहद जैसी वाणी बोलते हैं, जो शहद जैसी वाणी बोलता है वही दुनिया पर राज्य कर पाता है, जो कड़वा बोलता है वो राज्य नहीं कर पाता। शहद जैसी वाणी, उस मधु का बड़ा प्रयोग है, मधु की बड़ी विशेषता। एक देवदी देव महादेव में और एक देवियों में महा लक्ष्मी, देवियों में महालक्ष्मी। कभी प्रयास करना, प्रयोग कर कर देखना। जब तुम्हें लगे जिंदगी में कि बहुत हाथ तंग चल रहा है और बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही, बहुत तकलीफ, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, एक देव दीपावली आती है। कभी तुम लोगों ने पढ़ा पंचांग में, कैलेंडर में उसका वर्णन आता है, पढ़िए देव दीपावली। अरे बोलो तो जम के पढ़िए। एक देव दीपावली आती है, एक दीपावली, एक देव दीपावली। इन दोनों दीपावली के दिन अगर प्रयास करना, अगर बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, फैक्ट्री भी ना चले, दुकान भी ना चले, व्यापार भी ना चले, और कर्जा बढ़ते जा रहा हो, टेंशन ही टेंशन पूरी जिंदगी में हो रहा हो, कहीं से संपदा आ नहीं रही हो, धक्के की जिंदगी चल रही हो, तो एक बार मधु का प्रयोग कर कर देखना। महालक्ष्मी की अगर पूजन कर रहे हो देव दीपावली पर या दीपावली पर, तो पान के पत्ते पर एक शहद की बिंदी रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाइए, और शंकर जी के मंदिर में उसी दीपावली को या देव दीपावली पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक पत्ते पर या पुष्प पर एक बूंद शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर कर देखिए,
अगला वर्ष तक इंतजार करना, बाबा आपकी जिंदगी में चार चांद ना लगा दे उस मधु के बल पर, तो आनंद के लिए प्रयास करिए। मधु में क्या बल है, ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। लक्ष्मी जी को श्राप दिया गया, तू अश्व की योनि में जाएगी, अश्वी बनेगी, घोरी बनेगी। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को पृथ्वी पर भेज दिया। लक्ष्मी जी पूरी रात्रि, अमावस्या की रात्रि, अंधेरे में भ्रमण कर रही हैं, कहीं उनको जगह नहीं मिली। एक दरवाजा खुला था, दीपक टिमटिमा रहा था, लक्ष्मी जी उसमें प्रवेश कर गई। बूढ़ी माँ कपड़े बना रही थी, भोजन मंगा, भोजन था नहीं। बूढ़ी माँ ने शहद का डब्बा ढूंढ लिया, मधु की डब्बी ढूंढ ली। उस मधु की डब्बी को, उस शहद की डब्बी में से थोड़ा सा मधु लाकर लक्ष्मी जी को दे दिया। थोड़ा सा मधु लाकर, थोड़ा सा शहद लाकर लक्ष्मी जी को दिया। उन पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात भगवान शिव जी से बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ कहिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात। जहां जगह मिले वहां बैठो, दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, भाव से साथ में उच्च स्वर में बाबा से। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा। मधु शहद एक शिवजी पर और एक माता लक्ष्मी पर। देवों में देव जो है वो महादेव है, और देवियों में जो देवी की रूप है महालक्ष्मी। इन दोनों को शहद का प्रयोग सुख देता है। एक बूंद शहद
एक बूंद शहद देवती देव महादेव को चढ़ाया उसका फल है, एक बूंद शहद माता लक्ष्मी को चढ़ाया उसका फल है। शिव महापुराण की कथा कहती है बूढ़ी माँ का पूरा मकान जो झोपड़ा था वो पूरा बन चुका था, पूरा एक बूंद शहद माँ लक्ष्मी चाटी। हम निवेदन करेंगे कभी अगर योग लगे और कभी आपको ऐसा लगे कि मेरे घर में बहुत ज्यादा मात्रा में क्लेश रहता है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्लेश रहता हो, बहुत झगड़ा परिवार में विवाद, तो प्रयास करा करो जब आप देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाएं और प्रदोष का यदि दिन हो या महीने की शिवरात्रि हो या प्रदोष का दिन हो तो उंगली में ही भले एक उंगली में जरा सा शहद लगा कर ले जाओ और अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शिवलिंग पर उस शहद को लगाकर जल चढ़ाने का प्रयास करो। आप दो प्रदोष या दो महीने की शिवरात्रि अगर आपने कर ली, अपने आप आपके घर में क्लेश समाप्त तो होता चले जाएगा, शांति बनना प्रारंभ हो जाएगा। शहद में वो फल है, मधु में वो फल है। माता लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय प्रसाद कौन कौन सा होता है जल्दी बोलो, जरा जल्दी से बताओ माता लक्ष्मी का प्रिय प्रसाद कौन सा है, जल्दी बोलो जरा जल्दी से बताओ माता लक्ष्मी का प्रिय प्रसाद कौन सा है। कोई कहेगा खीर, कोई कहेगा सीरा हलुआ, कोई कहेगा सिंघाड़ा, कोई कहेगा सीताफल, कोई कहेगा फल, पर माता लक्ष्मी के लिए सर्वश्रेष्ठ अगर कोई पकवान है, माता लक्ष्मी के लिए अगर सर्वश्रेष्ठ यदि कोई भोग है, अगर कोई ने किसी दीपावली के दिन अगर लक्ष्मी जी को शहद का यदि भोग लगाया है तो उसके घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती, वो उन्नति की ओर बढ़ता है। अब दुनिया के लोग क्या करते हैं, दीपावली के दिन पकवान बनाते, गुजिया बनाते, चक्की बनाते, बर्फी बनाते, लड्डू बनाते, बाजार से मिठाई लाते, पकवान बनाते, खीर बनाते, हलवा बनाते, दुनिया का सारा भोग माता लक्ष्मी को दीपावली के दिन लगाते हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं जो लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगाते हैं। मेरे हिसाब से तो यहाँ भी जितने बैठे होंगे इसमें भी कुछ ही होंगे गिने चुने जो लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगाते है, कोई है शहद का जो भोग लगाते लक्ष्मी जी को, तो लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगा, लक्ष्मी को शहद की प्रियता, मधु की प्रियता, वो आनंद का देता। हम आशा करते हैं कि भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें, इस उपाय को करना ना भूलें। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ओम नमः शिवाय दोस्तों।